students, welcome again in the part 2 of the chapter 1, growing plants. Let's see what is the first topic of this part. Reproduction from other parts, reproduction from stems. Students, in the first part we have discussed about the reproduction from seeds. And there I had tell you that some other parts also have been used for the reproduction of plants. So here we are going to discuss that other parts. Reproduction from the process of reproduction by which a plant reproduces from its body parts like root, stem, etc. is called vegetative reproduction. Matlab students, ke aise reproduction ka process jisme plants apne dusre body parts jaise root, stem inke dwara reproduction kar sakta hai, to is process ko hum vegetative reproduction bolte hain. A piece of stem carried birds from the mother plant is cut and planted in the soil. This is called stem cutting. जैसे कि एक vegetative reproduction का example ले, तो stem cutting एक example है vegetative reproduction का. इसमें एक stem का टुकड़ा जिसमें birds हो, birds का हिंदी होता कली, जिसमें कली हो, उसको उसके mother plant में से अलग करके soil में plant किया जाता है. सॉइल के अंदर सो किया जाता है, इसको हम स्टेम कटिंग बोलते हैं. ये ज़्यादातर शुगर केन और हाइबिस्कस के साथ में होता है. कुछ अंडरग्राउंड स्टेम्स भी होते हैं स्टूडेंट्स. सम अंडरग्राउंड स्टेम्स हैव स्मॉल बर्ड्स ऑन देम, जैसे कि पोटैटो, वो एक अंडरग्राउंड स्टेम है जिसके ऊपर स्मॉल बर्ड्स आते हैं. तो इनको भी सॉइल के अंदर प्लांट किया जाता है और इनमें से भी एक नया शूट बाहर निकलता है. पोटैटो, जिंजर इसके एग्जाम्पल्स. अगला टॉपिक के बारे में बात करें तो रिप्रोडक्शन फ्रॉम अदर पार्ट्स में सबसे पहले जो हमने पढ़ लिया स्टेम के साथ में, अब हम रिप्रोडक्शन फ्रॉम रूट्स और रिप्रोडक्शन फ्रॉम लीव्स एंड स्पोर्स पढ़ेंगे. अ न्यू प्लांट कैन ऑल्सो ग्रो फ्रॉम द रूट्स ऑफ द मदर प्लांट इन प्लांट्स लाइक स्वीट पोटैटो, रेडिश, टर्निप, बीटरूट, डालिया. एक नया प्लांट जो है स्टूडेंट्स रूट्स से भी बनता है. आपको पता है ये सारे वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाते हैं, स्टेम, रूट, क्योंकि सीड के अलावा इनके द्वारा भी प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं. स्वीट पोटैटो, रेडिश, टर्निप, बीटरूट और डालिया, ये कुछ एग्जांपल्स है प्लांट्स के जो रूट के द्वारा रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. लीव्स के द्वारा रिप्रोड्यूस करने वाले प्लांट्स थोड़े संख्या में कम है. एक एग्जाम्पल हमारे पास है ब्रायोफाइलम लीव्स, जिसका हमने आपको फोटो भी दिखाया हुआ है सेकंड नंबर पर. पहला स्वीट पोटैटो का फोटो है, सेकंड जो है फोटो वो ब्रायोफाइलम लीव्स का है. इनके लीव्स के जो बॉर्डर्स है स्टूडेंट्स उसमें बर्ड्स होते हैं जिसके वजह से ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. उनके मार्जिन्स में देखिए, लीव्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स प्रोड्यूस बर्ड्स अलॉन्ग देयर मार्जिन्स. उनके मार्जिन मतलब उनके जो बॉर्डर्स है उनके उधर काफ़ी ज़्यादा बर्ड्स मतलब कलियाँ उत्पन्न होती है, वहाँ से जनरेट होती है. तो वहीं उसी कारण से एक नया प्लांट ये लीव्स जनरेट करने में काफ़ी ज़्यादा एबल होते हैं और ये एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम लीव्स. कुछ प्लांट्स के पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट, जिसको हम लोग स्पोर्स बोलते हैं. वो प्लांट स्पोर्स को अपने में डेवलप करते हैं, जैसे मशरूम, फर्न और मॉसेस. स्पोर्स का स्ट्रक्चर काफ़ी छोटा छोटा होता है, बॉल्स, छोटे छोटे एकदम बॉल्स के जैसा इनका स्ट्रक्चर होता है. तो स्पोर्स के द्वारा भी प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं और ये जो प्रोसेस होता है जिसमें स्पोर्स हेल्प करता है उसको स्पोर फॉर्मेशन भी कहा जाता है. आगे आने वाले क्लासेस में आप इसको और ज़्यादा डीप में पढ़ोगे. ये इस क्लास में स्पोर फॉर्मेशन के लिए सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन भी नहीं कह सकते, एक छोटा सा इंफॉर्मेशन. बस आपको इतना बताया गया है कि मशरूम, फर्न्स और मॉसेस एक अलग तरह के स्ट्रक्चर जिसको स्पोर्स कहा जाता है उसके द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं. क्रॉप्स एंड देयर ट्राइब्स. व्हाट आर क्रॉप्स? द प्लांट्स दैट आर ग्रोन एंड कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड आर कॉल्ड क्रॉप्स. ओके स्टूडेंट्स, तो एक प्लांट जो एक जगह में बड़े लार्ज स्केल में एक समय पे उगाए जाए उन्हें हम क्रॉप्स कहते हैं.
टू टाइप्स के क्रॉप्स होते हैं हमारे इंडिया में, रबी और खरीफ। रबी क्रॉप्स जो है वीट और ग्राम, मतलब गेहूं और चने, ये विंटर में ग्रो होते हैं नवंबर से अप्रैल के बीच में, तो इसे रबी क्रॉप्स कहा जाता है। और जो क्रॉप समर में ग्रो होते हैं जून टू अक्टूबर के बीच में, उन्हें खरीफ क्रॉप कहा जाता है। खरीफ क्रॉप के एग्जांपल्स है राइस, मेज, जोवर, बाजरा, ये सारा। और आपको यहाँ पर दिखाया है राइस खरीफ क्रॉप, वीट रबी क्रॉप, ये सब कुछ मैंने फोटोज यहाँ पर आपके लिए रखे हैं। हेल्दी क्रॉप्स के बारे में बात करें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमें पढ़नी है हेल्दी क्रॉप्स के टॉपिक्स में। सबसे पहले व्हाट इज़ एग्रीकल्चर, क्योंकि हेल्दी क्रॉप्स में सबसे पहले एग्रीकल्चर में बहुत सारे हेल्दी क्रॉप्स आते हैं। प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन अ लार्ज स्केल, बड़े मात्रा में जब हम क्रॉप्स को उगाते हैं तो उसे हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फर्टिलाइजर्स, जो मिनरल्स को बनाए रखने में बहुत हेल्प करते हैं, प्रोडक्शन को क्या करते हैं वो दोगुना तीन गुना करने में हेल्प करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। तो दो तरह के फर्टिलाइजर्स होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को हम मैन्योर्स भी कह सकते हैं, नेचुरल फर्टिलाइजर्स बोला जाता है। काउडंग, डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स, एनिमल्स और वेजिटेबल मैटर, ये सारे सोर्सेस हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के। इनमें से ही ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जनरली केमिकल्स होते हैं, यूरिया, नाइट्रेट, सल्फेट्स, तो ये कंपनी में बनते हैं, फैक्ट्रीज में बनते हैं। क्रॉप्स को बाद में जब पूरी तरह से सारी प्रक्रिया एग्रीकल्चर की हो जाए, प्लगिंग हो जाए, स्कैटरिंग ऑफ सीड्स हो जाए, सभी तरह की प्रक्रिया हो जाए, तो बाद में जब पूरी तरह से क्रॉप बन जाता है, उग जाता है, ग्रो हो जाता है, उसके बाद क्रॉप्स को अच्छे से काट कर एक जगह गैदर करके स्टोर किया जाता है, तो वो जो कटिंग का प्रोसेस है उसे हम हार्वेस्टिंग बोलते हैं स्टूडेंट्स। क्रॉप प्रोटेक्शन भी एक बहुत बड़ा टॉपिक होगा, क्योंकि एक बार जब आप हार्वेस्ट कर लो तो फिर उसको संभाल के रखना एक बहुत बड़ी चिंता का विषय होता है फार्मर्स के लिए, क्योंकि बहुत सारी तकलीफें आती हैं क्रॉप्स को स्टोर करने में। आधे क्रॉप्स सड़ जाते हैं, कुछ चूहे और दूसरे जो रोडेंट्स हैं वो क्रॉप्स को बर्बाद कर देते हैं। तो क्रॉप प्रोटेक्शन इंक्लूड्स प्रोटेक्टिंग द ग्रोइंग क्रॉप्स अगेंस्ट इंसेक्ट, डिजीजेस, वीड्स, फंजाई एंड अदर अनडिजायरेबल पेस्ट बाय यूजिंग इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स जैसे केमिकल्स का यूज़ करके क्रॉप को प्रोटेक्ट किया जाता है, बहुत सारे डिजीजेस से क्रॉप को प्रोटेक्ट किया जाता है, इंसेक्ट से प्रोटेक्ट किया जाता है, रोडेंट्स जैसे कि मैंने कहा उनसे प्रोटेक्ट किया जाता है, वीड्स से प्रोटेक्ट किया जाता है क्रॉप को, ये सारी चीज़ों से। मतलब जब क्रॉप आपका फील्ड पे ग्रो हो रहा हो तब का प्रोटेक्शन भी चाहिए, और स्टोर होने के बाद का भी प्रोटेक्शन आपको चाहिए होता है। तो हमने यहाँ पे दो फोटोज डाले, देखे कैसे इंसेक्ट्स एकदम क्रॉप फील्ड की तरफ फ्री बोर्ड एंड लॉजिंग लिखा हुआ है, वो मस्ती में जा रहे हैं, इस तरह का एक कॉमिकल मैंने पिक्चर डाला है। और उसके बाद दूसरे पिक्चर पे हमारे फार्मर जो है वो इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का छिड़काव कर रहे हैं। कुछ ग्रेजिंग एनिमल्स भी होते हैं जैसे काउ, गोट, वो भी अगर आपके फील्ड पे आ जाए तो वो पूरी तरह से क्रॉप्स को ख़राब कर देते हैं, खा लेते हैं, वो उस फील्ड से चलते हैं तो बहुत सारे प्लांट्स को बिल्कुल से ख़त्म कर देते हैं। कुछ इंसेक्ट्स और होते हैं कैटरपिलर, ग्रास होपर, माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, वायरसेस, जो अलग अलग तरह के डिजीजेस, बीमारियां क्रॉप्स के अंदर में डालते हैं। तो ये सभी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए क्रॉप में, फील्ड में क्रॉप्स को बचाने के लिए फार्मर्स पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स और फंजाइसाइड्स का यूज़ करते हैं। स्टोरेज कैसे करें क्रॉप्स का, प्रोटेक्शन तो कर लिया हमने, अब स्टोरेज करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब आपने हार्वेस्ट कर लिया, पूरा आपका क्रॉप घर पे आ गया, तो जब क्रॉप पूरी तरह से पक जाता है तो उसे हार्वेस्ट किया जाता है, फिर उसे स्टोर किया जाता है। कैसी जगह पे, एकदम पहले उसको सुखा लिया जाता है, और सूखी जगह पे ही, पानी बिल्कुल भी क्रॉप्स को नहीं लगना चाहिए, नहीं तो क्रॉप्स बर्बाद हो सकते हैं, सड़ सकते हैं। तो दे शुड बी केप्ट सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, मॉइस्चर मतलब गीलापन, आई थिंक मॉइस्चर मतलब क्या होता है के नमी, हिंदी में मॉइस्चर को नमी कहते हैं, मतलब पानी, नमी, नमी पानी की वजह से ही होती है, तो उससे दूर रखना है, स्मॉल एनिमल से दूर रखना है, रैट्स, मोल, स्क्विरल, ये सारे रोडेंट्स हैं, और बर्ड्स और इंसेक्ट्स, ये सभी से हमें अपने
क्रॉप्स को दूर रखना होता है, ग्रेन्स को एक ड्राई और वेल वेंटिलेटेड, वेल वेंटिलेटेड मतलब हवा जो है एयर वो आना जाना करे, लेकिन वाटर और मॉइस्चर उससे दूर रहे, ठीक है। फार्मर स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटालिक बिन्स, लार्ज स्केल स्टोरेज इज डन इन सिलोज एंड ग्रेनरीज। फार्मर क्या करते हैं कि जूट बैग्स और मेटालिक बिन्स, ये कुछ उनके पास चीज़ें हैं जिसमें वो ग्रेन्स को भर के रखते हैं। जूट बैग्स तो हमने देखा ही है, और ये जो फोटोज आपको नीचे दिखाई दे रहा है ये सिलोज और ग्रेनरीज का है। ये छोटे छोटे घर जैसा स्ट्रक्चर है, उसमें सिर्फ और सिर्फ अनाज मीन्स क्रॉप्स भर के रखे हुए हैं, और ये वेल वेंटिलेटेड भी होते हैं, ड्राई भी होते हैं। अगल बगल ये किसी भी तरह का पानी का काम बिल्कुल नहीं करते, एकदम सूखा रखते हैं। आप जैसे देख सकते हो बिल्कुल रेगिस्तान जैसा लग रहा है, इतना सूखा वो इनको रखने का प्रयास करते हैं। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया, हमें पता भी नहीं चला। सो गुड बाय स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड माई चैनल। थैंक यू सो मच।